हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम बता रहे थे आपका श्रेणी बताए थे, लायमन श्रेणी आपका बता दिया, बामर श्रेणी, पॉस्टन श्रेणी, ब्रेकट श्रेणी, आप फोन श्रेणी पढ़ाए। पिछले क्लास में फिजिक्स में चला श्रेणियाँ चला, और उसमें में आपका जब जब श्रेणी चला तब तब, मतलब जो श्रेणी हम पढ़ाए उसमें बताया कि आपका कब किस वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है, वो सब बताया थ्योरी में। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ही होता है आधुनिक, यानी मॉडर्न फिजिक्स से जितना भी क्वेश्चन आपको पूछे और थ्योरी से लगभग लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि थ्योरी ही मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। न्यूमेरिकल तो है एक दो, न्यूमेरिकल भी पढ़ना इसी बात है कि नहीं पढ़ना, न्यूमेरिकल पढ़ना, लेकिन उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका थ्योरी से पूछा जाता है मॉडर्न फिजिक्स में। और जो फिजिक्स होता है उसमें आपका जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्टिक्स हो गया, फिर आपका चुंबकत्व, मैग्नेटिक, ये सारी आपका न्यूमेरिकल रहेगा, इसमें से थ्योरी नहीं, या मॉडर्न फिजिक्स में से थ्योरी पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बीसीसी एग्जाम के लिए 2020 के लिए, और हमने श्रेणियाँ बताया, वहाँ पर भी बताया कौन सा वर्ष में कौन क्वेश्चन पूछा गया, और दो तीन क्वेश्चन हमने थ्योरी में नहीं बताया था कि कब पूछा गया। तो आज हम आपका बस यही इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है जो 2008 में पूछा गया था। यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे पूरा लिख लेना, ये तीन क्वेश्चन हमने लिखा, चार क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, और इसको बताते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और थ्योरी में जो जो हम बताए हैं ना कि अरे लायमन श्रेणी पे पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे कब पूछा गया क्वेश्चन, तो उसको भी लिखे हैं ना कॉपी में। अरे जब जब थ्योरी हम बताएं तब तब बताएं कि किस वर्ष कब क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा था, तो वो सब अगर क्वेश्चन लिखते गए तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बैंक वो बन रहा है, आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, आपको जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पे आज आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि पाश्चन श्रेणी में स्पेक्ट्रम रेखाओं के लघुत्तम तरंग दैर्ज्य क्या है, मतलब आपका लघुत्तम यानी निम्न तरंग दैर्ज्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाश्चन श्रेणी, तो देखिए यहाँ पे पहले आपकी बात आती है, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन आपका है कि बीटा का वेग, अभी तो गामा, अल्फा, गामा, बीटा तो पढ़ाए नहीं लेकिन पूछ दिया है, लेकिन बता देते हैं कि बीटा का वेग निम्नलिखित में क्या होता है, बीटा का वेग निम्नलिखित में क्या होता है। अल्फा, बीटा, गामा श्रेणी के बाद पढ़ना है, श्रेणी के बाद हम पढ़ाएंगे, लेकिन आज का जो है दो तीन चार जो भी क्वेश्चन हम बता देते हैं श्रेणी से, उसके बाद आपका अल्फा, बीटा, गामा पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बीटा का वेग निम्नलिखित में से क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका दिया है 27 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया 27 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 27 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। इसको लिख लीजिएगा, 2004 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा। और लायमन श्रेणी पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कब कौन सा क्वेश्चन पूछा, अरे जब जब थ्योरी पढ़ाते हैं जब तब बताते हैं ना कब किस वर्ष कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा श्रेणी परावैगनी क्षेत्र में पड़ता है, कौन सा श्रेणी परावैगनी क्षेत्र में पड़ता है। हमने श्रेणियां पूरी बता दी, पूरा श्रेणी आपको पढ़ा दिया, तो अब बताइए कि निम्न में से कौन सा श्रेणी परावैगनी क्षेत्र में पड़ता है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट में, इसका जवाब देना, क्योंकि हमने श्रेणियां पढ़ाया, पाश्चन श्रेणी, पूर्ण श्रेणी, ब्रेकेट श्रेणी, लायमन श्रेणी, पूरा पांचों श्रेणी पढ़ाया है, इसका जवाब आपको देना है। आइए, 2012 में पूछा वो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है, तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है निम्न में से किस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में प्रवेश करता है, किस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में प्रवेश करता है। तो हमने श्रेणियां बताई थी, श्रेणियां आपको पढ़ाया, 2007 में पूछा वो क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। श्रेणियां बताया था कि पहला श्रेणी लायमन तो यानी पहली कक्षा में, दूसरा श्रेणी बामर यानी दूसरी कक्षा, तीसरा श्रेणी पाश्चन यानी तीसरी कक्षा, चौथा श्रेणी पाश्चन यानी चौथा श्रेणी ब्रेकेट, तो आपका ब्रेकेट श्रेणी हो जाएगा, पांचवा श्रेणी बताए थे फूंड,
यानी इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में प्रवेश करता है। तो किस तीसरी कक्षा, तीसरी का मतलब सीरियल ढंग से हम बताए थे, पहला लायमन, दूसरा दूसरा बामर, तीसरा आपका पोस्टियन, चौथा ब्रेकेट, पांचवा फुंड। यानी जो पहला श्रेणी आपका लायमन तो प्रथम कक्षा में, दूसरा श्रेणी आपका बामर तो दूसरी कक्षा में, तीसरा श्रेणी आपका पोस्टियन तो तीसरी कक्षा में, चौथा श्रेणी में हो जाता है ब्रेकेट श्रेणी यानी चौथी कक्षा, पांचवा हो जाता है फुंड श्रेणी यानी पांचवा कक्षा। यानी आपका तीसरी कक्षा तो तीसरी कौन, पाषण ना, पाषण श्रेणी में तीसरी कक्षा यानी तीसरी पाषण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा पाषण श्रेणी। और इसका जवाब आपको कमेंट में करना है, कमेंट में आंसर करना है, क्योंकि हमने पांचों श्रेणियां पढ़ा दिया और उसमें बताया भी था कि किस वर्ष कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, फिर भी हमने दो तीन क्वेश्चन आज बता रहा है यहाँ पे आपको, तो फिर भी आप अगर आप नहीं बता पाते हैं श्रेणियां पढ़ने के बाद भी, तो फिर बेकार हो जाती है बीसीसी एग्जाम। तो कम से कम इतनी इजी सी क्वेश्चन है, एकदम ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा कि निम्न में से कौन सा श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। पिछले क्लास का नहीं देखे नोट्स था, पिछले क्लास का वीडियो भी नहीं देखे तो कम से कम प्लीज पिछले क्लास का वीडियो देखिए श्रेणी वाला, और उसमें हमको इसका जवाब कमेंट में कीजिए कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जो आपको जवाब मिले वो आपको कमेंट करना है। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, ये न्यूमेरिकल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये न्यूमेरिकल को देख लेते हैं क्या कहता है न्यूमेरिकल। देखिए ये 2008 में पूछा है और न्यूमेरिकल पूछ रहा है कि पाषाण श्रेणी में स्पेक्ट्रम रेखाओं के लघुत्तम तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तो अब देखिए लघुत्तम तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब कि एकदम निम्न पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है निम्न। तो हमने आपको श्रेणिया में पढ़ाया था, पाषाण श्रेणी में क्या पढ़ाया, अभी ने बताया कि पाषाण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन की कब कब प्रवेश करता है तीसरी कक्षा में। हम आपके फार्मूला एक बताए थे आपको कि 1 वाटा लेमडा बराबर आर इंटू 1 वाटा 3 के स्क्वायर माइनस 1 वाटा n स्क्वायर। अरे बताया था ना 1 वाटा n स्क्वायर, पिछले क्लास का वीडियो देखिए श्रेणी जाके। 3 स्क्वायर काहे लिखे, हम आपको बताए थे कि 3 मतलब तीसरे कक्षा में प्रवेश कर रहा था यहाँ पे 3, एन का मान क्वांटम संख्या, कि एन का मान क्या हो जाएगा, जहाँ एन का मान हो जाएगा आपका तीसरे कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो एन के मान हो जाएगा 4, 5, 6 इन्फिनिटी में, मतलब अनंत तक, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक हो जाएगा। यानी तीसरे कक्षा में तो प्रवेश कर ही रहा है, तो ओकर बाद से ना होगा एन का मान 4, 5, 6 होगा ना। इसको हम बताए थे एन मतलब क्वांटम नंबर यानी गिनती की संख्या, इसके आगे जो संख्या होती है क्वांटम, यानी जो जिस कक्षा में पूछा जाए तीसरी कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो तीसरी के आगे वाला अगर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर 2 होगा, और 2 के आगे वाला एन की संख्या होगा 3, 4, 5, 6। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे आप पूछ रहा है कि अल्फा यानी गामा, अल्फा गामा तो आपको पढ़ाएंगे, जब अल्फा गामा पढ़ाएंगे ना श्रेणी तो बताएंगे अल्फा गामा, अल्फा गामा वाला आपका बीटा वाला जो क्वेश्चन था ना, जब अल्फा गामा बीटा पढ़ाएंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे पूछा लघुत्तम तरंग दैर्ध्य, लघुत्तम तरंग दैर्ध्य तब देखिए लघुत्तम तरंग दैर्ध्य, तो यहाँ पे हम तो लिख भी सकते हैं कि लैम्डा के लिए न्यूनतम, लैम्डा के लिए न्यूनतम मान तो न्यूनतम मान जब हो जाएगा तो यही होगा ना एन बराबर लिखेंगे तो एन का निष्पत्ति तो ज्यादा है ना तीसरी कक्षा से, तो न्यूनतम मान उसके कम, तो न्यूनतम मान 0 भी तो ले सकते हैं ना। तो 1 बट्टे लेमडा r 1 बट्टा 3 के स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 0, एकर जब हो जाएगा 0 तो 0 ये रहेगा ना, तो 1 बट्टा लेमडा, तो आर का मान यहाँ पे आर हो जाए, आर का मान बताए थे ना, आर मतलब क्या होता है रीबर्ग, रीड वर्ग होता है आर का मतलब, पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए तो आप जाके पिछले क्लास का देखिए श्रेणी वाला। तो 1 बटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे 0 है, 0 लिखिए चाहे ना 0 ये होगा, अरे इतने ना होगा, तो 1 बटा लेमडा बराबर आर बटा इतना 9 होगा, अरे इतना होगा ना, या फिर आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, या फिर इतना भी नहीं करना चाहते 9 बटा आर,
जैसे सुविधा बुझाए वैसे कर दिया, एक स्टेप और आगे चलते हैं, क्या होगा देखिए। आर बटे नौ तो 1/लेमडा बराबर 9/r। आर का मान हम बताए थे ना रिडबर्ग बराबर, अरे आर का मान क्या बताए थे, आर का मान बताए थे 1. आर का मान हम बताए थे, आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, 1.1097×10^7। इतना बताए थे ना आर का मान, अरे इतना बताए थे ना जी। तब देखिए आर का मान, इसको सिर्फ पुश नहीं करना है आपका, 1/लेमडा जो है आर का मान बैठा देना है। आर का मान है 0.1.097×10^7 × 10^7, तो 10^7 है। तब देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे पूछ दिया था, क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया था, लेकिन फिर भी आगे देख लीजिए आपका क्या आया था। ऑप्शन में दिया था कि 1. यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3 अंक है, तो 3 शून्य ऊपर वाले में, पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, तो 3 शून्य ऊपर वाले में, तो 3 शून्य ऊपर जाएगा तो 1.2/1। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि 1 शून्य दिल है ना, तो देखिए कैसे ऑप्शन दिया था हम बता देते आपको, 0.97×10^-7। ऑप्शन में ये आया था आपका, ऑप्शन में ये आंसर दिया था कि इनमें से किसको बना के ऑप्शन यहाँ तक मीटर मीटर पर सेकंड दे दिया था। तब देखिए इसको कैसे बना लेंगे, इसको अच्छे समझना है। ये तो 10^7 है, तो बटा में है और गुना में भी है, जब ये गुना में ऊपर जाएगा, ये जब गुना इधर हटेगा तो माइनस में प्लस से माइनस हो जाएगा पावर, जब प्लस से माइनस तो ये हो गया। लेकिन यहाँ के बाद आपका 3 शून्य है, अरे 3 शून्य है ना, और यहाँ पे 2 शून्य है, यहाँ पे ऊपर में 2 शून्य है। तब तो कहिएगा सर 2 शून्य कैसे होगा, यहाँ तो 3 अंक था, तो यहाँ 3 अंक 3 शून्य होना चाहिए था, तो 3 शून्य ही ऑप्शन में 3 शून्य दिया था, लेकिन 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 यहाँ पे 3 शून्य ही दिया था। जब एग्जाम पड़ा था 2008 में तो 3 शून्य ही दिया था 9000, लेकिन लग गया था कि उसका प्रिंटिंग ऐसा हो गया था, यह नहीं दिया था उसको टाइपिंग में 1900 दिया था, और लेकमन तो गड़बड़ा गया वहां पे, आपका आंसर दे दिया था वहां पे, ऑप्शन में था इसी नंबर ऑप्शन में था, और आपका एक और ऑप्शन जो था एकदम हू बहू था, 900×1.097×10^7। एक और ऑप्शन हू बहू दे दिया था आपका, 2008 का एग्जाम पड़ा था, तो इसके आगे भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक आपको ऑप्शन पूछा था, इसी यही ऑप्शन पूछा था, तो ऑप्शन में ये दे दिया था, पहला नंबर में ये था, सी नंबर में ये था, तो सी नंबर में जब ये दे दिया था तो सभी बच्चे ने ये मार्क गिराया था, सभी सभी क्या मतलब कि आधा ज्यादा ये बहुत सारे बच्चे ने ये वाला आपका मारा था आंसर, लेकिन वास्तविक आंसर तो ये होगा क्योंकि -7 में होगा पावर, -7 पावर यहाँ पे तो प्लस में है 7। आइए यहाँ पे प्रिंटिंग उसका छूट गया था, जब वहाँ पे बताया भी गया था, जब एग्जाम निकला रिजल्ट आया, रिजल्ट जब जांचा गया कॉपी, तो उसमें बोला भी गया था कि इसका मिसप्रिंट होने, इसका नंबर सभी को दिया गया, ऐसा कोई बात नहीं था, नंबर सब स्टूडेंट के दे दिया गया था, इसका नंबर जोड़ दिया गया था, क्योंकि वो गलतियाँ उससे हुई है, वो भी जो कंप्यूटर से लिखता है उससे गलतियाँ हो गई थी टाइपिंग करने में, तो उन्होंने यह नंबर इसका दे दिया था, नंबर किसी को काटा नहीं था। लेकिन ऑप्शन में ये था भी ये भी था, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस में आया, यहाँ पे प्लस में है 7, तो ऑप्शन जब भी आंसर आएगा तो 10^-7 होगा, तो जब -7 होगा तो ऑप्शन ये होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई थी, तो कोई बात नहीं आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है, कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर कैसे आना चाहिए। कभी कभी मिसप्रिंट, अरे बिहार बोर्ड वाले तो ऐसे भी मिसप्रिंट करता, बहुत क्वेश्चन मिसप्रिंट कर रहे हैं, जब आप एग्जाम देने जाइएगा ना तो बहुत सा क्वेश्चन आपको लगेगा क्वेश्चन ही गलत है, तो कोई बात नहीं हड़बड़ाना नहीं, जो आपको सही लगे वो बना देना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पाश्चन श्रेणी का एक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा नहीं जाता मॉडर्न फिजिक्स से, लेकिन फिर भी ये पूछ दिया था तो हम बता दिया, और इसके बाद अल्फा बीटा गामा पढ़ेंगे,
अल्फा बीटा गामा पढ़ेंगे और उस पर आपका थ्योरी वाला जो भी न्यूमेरिकल होगा वो बताएंगे, और जो भी मान आपका होगा जो पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर से बता देंगे, और जिसे आज बता दें 2-3 क्वेश्चन जो पूछा गया था श्रेणी से वो बताएं, और थ्योरी पढ़ा रहे थे श्रेणी तो उसमें भी बताए थे कौन सा प्रीवियस ईयर से पूछा गया था। और इसके बाद आपका जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका मॉडर्न खत्म होने के बाद केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा, और साथ में आपका मैग्नेटिक चुंबक और इलेक्ट्रिक फिजिक्स का टॉपिक चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पे बने रहिए।